Everyone, to welcome to Gwalior Fort. Now we continue to show the fort. Hey, buongiorno. Hey, krasiva. कालू इसी तरह एक सांस में कई भाषाएं बोलता है ताकि दुनिया भर के देशों से ग्वालियर पहुंचने वाले सैलानियों का भारत की बेमिसाल परंपरा और संस्कृति से परिचय हो सके। कालू द टैलेंट का हुनर ऐसा है और इतनी शिद्दत के साथ वो दुनिया के कई देशों के सैलानियों का इस्तकबाल करता है और उन्हें उन्हीं की भाषा में एमपी की विशाल संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं से परिचय कराता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक साथ कई विदेशी भाषाओं में पारंगत कम उम्र का कालू कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाया। वो पढ़ना लिखना नहीं जानता लेकिन वो अंग्रेजी समेत 4 से 5 भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकता है और उसे ग्वालियर ही नहीं देश के कई किलों के इतिहास की हर तारीख याद है। मैंने इनसे पूछा कि इनको कैसा लगा पैलेस, महल कैसा लगा, इनके सामने कितनी जगह गए, कितने दिन का टूर था और आपको कैसा लगा। पिछले दिनों ग्वालियर में 35 देशों की सुपर मॉडल्स पहुंची तो कालू द टैलेंट ही था जिसने मॉडल्स को स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, रशियन और जापानीज भाषा में ग्वालियर किले और भारतीय इतिहास के बारे में बखूबी समझाया। आप कालू की जुबानी जब इतनी भाषाओं को सुनेंगे तो एक बार की आप यही सोचेंगे कि उसने इसके लिए महंगी तालीम ली होगी, लेकिन कालू ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। आज भी उसका परिवार किले के बाहर ऐसे गुजारा करता है। ये कच्ची दुकान उसकी माँ संभालती है और खाली वक्त में कालू भी उनका हाथ बटाता है। 5 साल का था तो एक गुरु थे इनके, वकील नाम था उनका, वो भी गाइड करते थे तो मामा मामा कह के उनके संग में ये जाता रहा। पिताजी इनके थे नहीं, कहीं और चले गए। अब ये बेचारा गाइड भी कर रहा है, बुक ही बेच रहा है, उसी में उन्हीं के साथ में ये टैलेंट हो गया है 5 साल की उम्र से। कालू को देखकर पहले तो कोई भी विदेशी सैलानी ये यकीन नहीं कर पाता कि कालू का टैलेंट किस हद तक है, लेकिन उसकी जुबान खुलते ही सैलानियों की भीड़ खुद ब खुद उसे घेर लेती है। कई सैलानी तो कालू से यूट्यूब या सोशल साइट्स के जरिए भी जुड़े हुए हैं। बाहर के देशों से आए मेहमान कालू के टैलेंट की तारीफ करते नहीं थकते। ग्वालियर के सीनियर गाइड पवन 3 विदेशी भाषाओं के जानकार हैं लेकिन कालू के मुरीद हैं क्योंकि उसकी काबिलियत उन्हें भी हैरान करती है। काफी समय से मैंने देखा है, यहाँ मैं भी गाइड हूँ और यहाँ पर फोर्ट पर एक कालू सबसे लड़का है। वाकई कालू में कुदरती हुनर है और भाषा प्रेम ने उसे कई भाषाओं में पारंगत कर दिया है जिसका लोहा यहाँ आने वाले टूरिस्ट तो मानते ही हैं, वो 7 समंदर पार जाकर भी कालू के टैलेंट का बखान करते हैं। वाकई कालू द टैलेंट बेमिसाल है, जिसे जरूरत है उस तालीम की जो उसके हुनर को और विस्तार दे पाए। कैमरा पर्सन संजीव चक्रवर्ती के साथ सुशील कौशिक, ईटीवी न्यूज़, ग्वालियर।